बेहतर तरीके से आपको क्लियर हो गया होगा। चलो, इलेक्ट्रॉन इन हाइड्रोजन एटम जंप फ्रॉम द एक्साइटेड स्टेट एंड टू द ग्राउंड स्टेट। अब देखो कहाँ से कहाँ तक जंपिंग हुई है यार, ये समझने की कोशिश करना। यन एक जनरल एक्साइटेड स्टेट है, हमको नहीं पता है कि वह कहाँ एक्साइट होके गया था, वहाँ से ग्राउंड में जंपिंग किया, ये बात हमको पता है कि ग्राउंड में आ गया है। पहले कहाँ था? पहले वो यन में था और यन से ग्राउंड में चला आया है, ऐसा क्वेश्चन में बताया जा रहा है। अब कहता है वेवलेंथ ऑफ द सो इमिटेड ऑफ द फोटो इलेक्ट्रिक इज अ फोटो सेंसिटिव मटेरियल हैविंग वर्क फंक्शन 2.75 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इफ द स्टॉपिंग पोटेंशियल ऑफ द फोटो इलेक्ट्रॉन इज 10 वोल्ट देन द वैल्यू ऑफ एन। इस टाइप के क्वेश्चन जनरली नीट और जेई मेन्स में पूछे जाते हैं, इवन एडवांस में भी आए हैं, क्योंकि ये एक फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट और एटॉमिक स्ट्रक्चर के कॉम्बिनेशन से क्वेश्चन बना है। तो चले चलो पहले, बहुत सारे लोगों के क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा, पहले क्वेश्चन हम लोग समझते हैं। तो क्वेश्चन क्या कहता है कि हाइड्रोजन का जो ट्रांजिशन है, अब ये एनर्जी लेवल है हाइड्रोजन का, समझना। तो ये एन इज इक्वल टू 1 है, एन इज इक्वल टू 2 है, डॉट 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 डॉट, ये जनरल एन है। मान लो ये जनरल एन यहाँ पे इलेक्ट्रॉन था, अब यहाँ से उसने एन इज इक्वल टू 1 में जंपिंग किया है, तो जब इलेक्ट्रॉन डी एक्साइट होके यहाँ से जंपिंग किया, हाँ ये डायरेक्ट जंपिंग हुई है, ऐसा क्वेश्चन में बताया जा रहा है। तो ये इस जंपिंग में एक फोटोन जनरेट होगा और उस फोटोन, ये जो फोटोन जनरेट हुआ प्यारा सा, ये फोटोन बेचारा, तो ये जो अच्छा खासा फोटोन है, इस फोटोन को अगर मैं किसी फोटो सेंसिटिव मेटल, अब मेरे पास एक मेटल का प्लेट है और उस मेटल के प्लेट पे इस फोटो सेंसिटिव मटेरियल को हम इंसिडेंट करा देते, इस फोटॉन को इस मेटल है उस मेटल के सरफेस पे अगर इंसिडेंट करा देते हैं, जिसका वर्क फंक्शन पहले से दिया है 2.75 इलेक्ट्रो वोल्ट, तो 2.75 इलेक्ट्रो वोल्ट वो मेटल का सरफेस है यहाँ से। तो जब ये फोटॉन पड़ेगा इस फोटो सेंसिटिव मटेरियल पे, तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हो जाएगा, और अगर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हो जाएगा तो यहाँ से एक बहुत सारे यहाँ से एक फोटॉन तो एक ही इलेक्ट्रॉन निकाल पाता है, तो यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा, ठीक है। तो यहाँ से जो एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा, क्योंकि एक फोटॉन एक ही इलेक्ट्रॉन निकालेगा, तो इस इलेक्ट्रॉन को स्टॉप करना है, इस इलेक्ट्रॉन को हमें स्टॉप करना है। तो अगर मुझे इस इलेक्ट्रॉन को रोकना हो, स्टॉप करना हो, तो मुझे स्टॉपिंग पोटेंशियल, कट ऑफ पोटेंशियल कितना है, वो है 10 वोल्ट। तो कट ऑफ इस इलेक्ट्रॉन को रोक देना, स्टॉप करना हो, इसकी वेलोसिटी जीरो करनी है, भी वेलोसिटी से मूव कर रहा है, तो उसको रोकने के लिए स्टॉपिंग पोटेंशियल 10 वोल्ट है। तो वो कहता है ये वाला जो एन था इसकी कैलकुलेशन करो। तो आई होप कि आपको क्वेश्चन बेहतर तरीके से समझ में आ गया होगा। तो चलो देखो, दो कहानी है, एक कहानी है हाइड्रोजन ट्रांजिशन की और एक कहानी है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की। तो इन दोनों कहानी को कंबाइंड करके हम अपना अननोन वेरिएबल निकालते हैं, और इस टाइप के बेहतर क्वेश्चन है, इसको नीट और जेई की तैयारी कर रहे हो समझ लो, बार बार पूछा गया है, ठीक है। चलो, तो सबसे पहले हम एक काम करते हैं, सबसे पहले हम ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट वाले को ही लगा देते हैं यहाँ से, क्योंकि हम पहले यही पढ़े थे। तो इंसिडेंट एनर्जी, ये जो इंसिडेंट एनर्जी है फोटोन की, एच न्यू या एच सी अपन लैम्डा, वॉट एवर जो भी है, तो ये जो इंसिडेंट एनर्जी है किसके किसके इक्वल होती है, वर्क फंक्शन प्लस काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर मैक्सिमम के इक्वल होती है, आइंस्टाइन के इक्वेशन से हम सबको पता है। लेकिन जो काइनेटिक एनर्जी होती है इलेक्ट्रॉन की, इस इलेक्ट्रॉन की जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो कट ऑफ पोटेंशियल के इक्वल होती है, तो इंसिडेंट एनर्जी जो होती है वर्क फंक्शन प्लस कट ऑफ पोटेंशियल के इक्वल होगी। ये हम लोग फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में पढ़ चुके हैं। तो इंसिडेंट एनर्जी जो आ जाएगी एच सी अपॉन लैम्डा, दैट मी मस्ट बी इक्वल टू 10 वोल्ट और प्लस कट ऑफ वर्क फंक्शन कितना है 2.75, तो 2.7 मतलब 12.75 दैट इज द ये इंसिडेंट एनर्जी इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये वाली चीज़। एच सी अपन लैमडा की वैल्यू आ जाएगी, यहाँ से एच सी अपन लैमडा की जो वैल्यू आ जाएगी वो 12.75 ही आ जाएगी,
तो दिस इज द कंडीशन नंबर फर्स्ट। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है भाई। और नीट और जेई की तैयारी कर रहे हो तो ये तो आना चाहिए यार, ये तो बच्चे भी जानते हैं। तो एस सी अपन लैमडा इज इक्वल टू 12.75। चलो अब आ जाते हो, ये जो एनर्जी है ये फोटोन की एनर्जी है प्यारे बच्चों, ये वाली जो एनर्जी है वो कहाँ से आई है, बाजार से तो लाए नहीं हो ना। तो ये एनर्जी हम मार्केट से नहीं लाए, ये एनर्जी फोटोन की एनर्जी है, इसकी एनर्जी, इस फोटोन की एनर्जी ही, और यही एनर्जी इंसिडेंट एनर्जी है। तो ये फोटोन के पास कहाँ से आया यार, फोटोन कहाँ से पैदा हो गया है? तो फोटोन तो मेरे भाई यहाँ से पैदा हुआ है जब इलेक्ट्रॉन जंप किया था, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन जंप किया था तब तो एनर्जी निकली है। अब ये फोटोन की एनर्जी किसकी एनर्जी होती है, इन दोनों ट्रांजिशन के इक्वल होती है। अगर ये एनर्जी लेवल E2 है और ये एनर्जी लेवल E1 है, तो जो फोटोन की एनर्जी है डेल्टा E इज इक्वल टू वो E1 माइनस E2 जो मॉड है, E1 माइनस E2 जो मैग्नीट्यूड है इसका, वही है। तो एच सी अपन लैम्डा वही तो एनर्जी है ना भाई। इसका मतलब ये हुआ कि ये एनर्जी अगर निकाले तो यही एनर्जी तो फोटोन की है। तो ये एनर्जी हमें कैसे निकले यार, ये एनर्जी हम कैसे निकालें? तो एक काम करते हैं प्यारे बच्चों, हम सबको पता है कि ये अननोन है, लेकिन ये ग्राउंड स्टेट में n इज इक्वल टू 1 में गया है, ये तो हमें पता है। तो 1 अपन लैम्डा की जो वैल्यू यहाँ से आ जाएगी, कहाँ, यहाँ से n इज इक्वल टू ग्राउंड स्टेट में गया है और हाइड्रोजन भी है, तो हमें अननोन n की वैल्यू, ये एनर्जी हम निकाल सकते हैं बड़े आराम से। तो ये जो एनर्जी है, दैट इज एनर्जी, पहले एनर्जी कितनी थी, पहले एनर्जी थी यहाँ पे वो एस सी अपान एनर्जी जो थी ये, हाँ एनर्जी लिख लो इसका ना, हम सबको पता है पहले से, हमारा फार्मूला हमें याद है कि एनर्जी nth ऑर्बिट में माइनस 13.6 एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट हाइड्रोजन के एटम के एनर्जी E1, ये E1 की वैल्यू है, तो माइनस 13.6 और ये 1 का स्क्वायर मतलब यह आ जाएगा माइनस 13.6, ये आ जाएगा E1, इसकी एनर्जी। उसी तरह से E2 की जो एनर्जी है वो माइनस 13.6 एन स्क्वायर, ये तो, ये जो अगर मैं डिफरेंस लूँगा तो ये जो डिफरेंस है इन दोनों के बीच का, जो एनर्जी का डिफरेंस है डेल्टा E, तो जो हमारे पास मैग्नीट्यूड आ जाएगा माइनस 13.6 एन स्क्वायर और माइनस माइनस प्लस 13.6, ये वाली चीज़। तो ये जो डिफरेंस आ गया, ये जो डिफरेंस है डेल्टा E एनर्जी का डिफरेंस, यही एनर्जी का डिफरेंस बेसिकली हमें देगा, ये फोटोन की एनर्जी यही है, यही फोटोन की एनर्जी। समझ में आ गया ना यार, बता देना, कमेंट कर देना, नहीं कोई दिक्कत होगा तो मैं बता दूंगा, यही एस सी अपन लैम्डा है, तो यही एस सी है। तो इस इक्वेशन को, इस एनर्जी को उस वाले एनर्जी से इक्वेट कर देते हैं, तो उधर एनर्जी कितनी थी यार 12.75, और इधर कितनी आ जाएगी, तो 12.75 मस्ट बी इक्वल टू माइनस 13.6 एन स्क्वायर और प्लस 13.6। तो ये जब इसको काट कूट लो, ये 13.6 एन स्क्वायर इज इक्वल टू ये 13.6 और माइनस 12.75, तो 12.75 में 13.6 अगर घटाओगे तो 0 0 0 और 0 0 0 और ए 5 और ये ए 5 और ये 9 5, ठीक है, क्लियर है, देख लो एक बार, 0 0 0 और 5 और ये 16 में 9, ठीक है। तो ये जो n की वैल्यू आ जाएगी, n की वैल्यू आ जाएगी वो 13.6 और 0.95 अंडर रूट। तो ये पूरी कहानी, ये देखना, कैलकुलेट कर लेना, ये अप्रॉक्सीमेटली आ जाता है, कैलकुलेट कर लो, देखो मैं कैलकुलेट करो इसको, तो इसको अगर मैं कैलकुलेट करूँ तो फाइनली ये कैलकुलेट करके देखो इसकी कितनी वैल्यू आ जाती है, तो ये 4 times लगभग कट जाएगा। तो यहाँ से जो है वो 4 की वैल्यू आ जाती है, मतलब वो ट्रांजिशन जो किया होगा 4th में था, ठीक है, ये जो हाइड्रोजन एटम था ये n की वैल्यू 4th थी, मतलब सी ऑप्शन सही है। तो बहुत बेहतर क्वेश्चन था, आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। तो आप अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखो, मोटिवेटेड रहो, एनर्जेटिक रहो, और
अपना बेहतर तरीके से पढ़ाई करते रहो, और अगर ये लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा तो आप कुछ सीखे होगे तो इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हो, और मेरे साथ जुड़े रहिए। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।